मैं मेले में गया हुआ। अरे बहन जी, ये आप ही के लिए तो था, मैं ही तो लाया था आपके लिए। फिर अगले दिन मैं काम दे, फिर रिजल्ट नाम का एक व्यक्ति आता है जो बच्चे के नाम पे सुख चैन फोन सब छीन के चला जाता है। मैं मेले में गया हुआ था, वहां पर एक स्टॉल लगाया हुआ था आदमी, वो बोलता है भाई साहब आइए देखे देखे कुछ अलग तरीके से मैं बल्ब को जलाऊंगा, आइए आइए। चलो देखते हैं, कुछ अलग तरीके का बल्ब है। बल्ब तो हम तो जानते हैं जलता ही है, चाहे अलग हो या कैसा भी हो, बल्ब तो जलना चाहिए। बस तो मैं गया तो बोल रहा भाई साहब आप देखिए ये बहुत अलग तरीके का है, बस इसकी कुछ कीमत ज़्यादा नहीं है, बस आप ले लीजिए। हम बोले पहले दिखाओ कि क्या अलग है इसमें। तो वो बोला कि भाई साहब आप यहाँ पे एक प्लग है, इसको ऑन करिए तो कुछ आपको अलग दिखाई देगा। तो हमने स्विच ऑन किया तो कुछ चला नहीं उसमें से, हुआ नहीं। तो बोलता है भाई साहब ये कुछ अलग तरीके का है, ये जलता नहीं है, ये बस ऐसे ही है, बहुत अलग तरीके का ऐसे से लोग। फिर मैं आगे गया, मैं सोचा देखें और कितने अतरंगी लोग। तो वहाँ पर एक कुछ चूड़ी वाला लगाया हुआ था, एक औरत वहाँ खड़ी थी, मैं खड़े होकर देख रहा था। एक वहाँ पर औरत खड़ी थी, वो चूड़ियाँ देख रही थी। जब बहन जी दूसरा चूड़ी पहनी, अरे बहन जी ये आप ही के लिए तो था, मैं ही तो लाया था आपके लिए, ये बहुत अच्छा है। मैं छाती के नीचे बोलता हूँ, आपके पति जी बहुत खुश हो जाएंगे, आप ले जाइए इसको। नहीं भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस कलर का मैं पहनती नहीं हूँ, एक्चुअली मैं मैच भी नहीं कर। अरे बहन जी बोलना चाहिए ना, मैं जान रहा। अरे हाँ ये तो मैच ही नहीं कर रहा। जब वो तीसरा पहने, अरे बहन जी ये आप ही के लिए तो है, मैं तो बता ही रहा था, हमसे पुराने जमाने वाले लोग कहे थे कि इस दिन एक औरत आएगी जो इस कलर की साड़ी में होगी और ये चूड़ी लेके जाएगी। आपका लिखा हुआ था, मैं लिख के रखा था, मैं बस आपका इंतजार ही कर रहा था, मैं कलयुग से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आए हो ये चूड़ी को ले जाए, मेरे सर से बोझ निकला और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। अरे बहन जी आप ले जाइए यहाँ से, अगर आप इसको पहने ही ना पक्का मेरी गारंटी कि अंबानी आपके नाम अंधेरा कर देगा। अब नवरात्रि खत्म, मेला खत्म, एग्जाम शुरू। फिर अगले दिन मैं एग्जाम देने गया, फिर जब मैंने पेपर देखा, अरे यार इतना इजी पेपर, ये तो अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं, इतना इजी पेपर, इसमें तो 70 मेरा लिखा हुआ, बस उठाना बाकी है, इतना इजी पेपर। एग्जाम खत्म हुआ, दोस्तों के फोन आना शुरू हुए, मेरे नंबर कटने शुरू हुए। अरे भाई तुम इसका आंसर ये लिख के आए हो, अरे यार इतना इजी आंसर का तुम ये लिख के आए हो, अरे यार कैसे बोल सकते हो मैम, यही क्वेश्चन छठी क्लास में, पांचवी क्लास में 25 सेकंड में बताई थी मैम। 20 दिन तक मैं डिप्रेशन में था। फिर रिजल्ट नाम का एक व्यक्ति आता है जो बच्चे के नाम पे सुख चैन फोन सब छीन के चला जाता है। रिजल्ट के डे फिर मेरे दोस्तों का रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम 8 से 9 था और मेरा 11 बजे। भाई साहब 9:30 बजे से फोन आना शुरू, भाई भाई मैं लटक गया, भाई 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 जस्ट पास हुआ, भाई मेरे सांस हटी हुई, मेरे बाप अभी तक मुझे मार रहा है, भाई बहुत दर्द हो रहा है, भाई 11 नंबर, भाई 12 नंबर, भाई 13 नंबर, भाई की पहले से ही फटी हुई है 12, 13, 14 सुन के। फिर मैं रिजल्ट दे दिया, फिर जब मैं मैथ्स का पेपर देखा तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो देखते हैं गलती कहाँ हुई है और नंबर किधर कटा है। मैं महान हूँ, मैं तो देख रहा था कि भाई साहब नंबर कहाँ मिला है।